नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। सोराव विधानसभा बसपा प्रत्याशी कर रहे हैं हाथ तोड़ मेहनत। सोराव विधानसभा में सपा बसपा अपना दल एवं एस कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क में बने हुए हैं। वहीं बसपा प्रत्याशी आनंद भारती अपने लोगों के बीच में लगातार कड़ी मेहनत करके बसपा के लिए माहौल बना रहे हैं। कलंदरपुर में लोगों से बातचीत करने पर लोगों ने आनंदी भारती को एक सरल इंसान बताया है और कहा है कि बसपा के प्रत्याशी के रूप में आनंद भारती अच्छे उम्मीदवार हैं, उनके साथ लोग हैं। बसपा प्रत्याशी ने कहा है कि आज सोराव की जनता तमाम परेशानियों से जूझ रही है, जिसका हल बसपा सरकार में होगा। आनंद भारती ने कहा है कि जनता को उनको पूरा साथ मिल रहा है और वे परिवार की तरह लोगों के बीच में है। 2022 के चुनाव को लेकर हम लोग राजनीति चर्चा के लिए हम लोग सोराव विधानसभा पे आए हुए हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं लोगों से बातचीत करके कि 2022 में लखनऊ के लिए किसको भेज रहे हैं। आप बताएं कि 2022 का चुनाव आ रहा है जी, लखनऊ किसको भेज रहे हैं? हम बहन महाराज जी भेज रहे हैं। और भी लोग हैं? और लोग हैं, उन लोगों का जो है 10 सालों में हम लोग देख चुका कि पब्लिक कितनी तरस है, बहन बेटी अपनी सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात है बेरोजगारी, हम लोग बेरोजगार, हमारे बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा दलित को केवल चावल गेहूं देकर लुभावना, सब्सिडी गैस जो है जो हम 350-400 में ले रहे हैं आज हम 1050 रुपये में ले रहे हैं। और जो है ये नमक जो मिल रहा है उस नमक को अगर घोला जाए तो कम से कम नहीं 2/3 हिस्से में जो है काला मने शीशा का कंकड़ पत्थर मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए सोराव विधानसभा से किसे आप भेज रहे हैं लखनऊ? सोराव विधानसभा से हम आनंद पासी को भेज रहे हैं। अपूर्व, आप ये बताएं लखनऊ किसे आप इस 2022 चुनाव में भेज रहे हैं? BSP पार्टी से जो भी कैंडिडेट आएगा उसी को हम लोग भेजेंगे विधानसभा, सोराव विधानसभा से। अच्छा, प्रदेश में जो है बहन जी को भेजेंगे या योगी जी भेजेंगे या अखिलेश हैं? नहीं, आपकी तो बहन जी की सरकार बनाना तय है। योगी जी से क्या नाराजगी है? हमें नाराजगी तो है क्योंकि जो नए असर के लड़के हैं उनको स्टूडेंट से उनको कायदे से पढ़ाई लिखाई, कानून का राज नहीं है और उसके बाद विकास नहीं है हर चीज का। इसलिए आप ये बताएं बहन जी की सरकार के टाइम पे जिस हिसाब से विकास था या कानून व्यवस्था थी वो क्या इस बार आपको मिल पाई है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं ज़्यादा तादाद पे नज़र आया कि माननीय योगी जी ने सुशासन का राज चलाया। इस बार लखनऊ किसे भेजेंगे? माननीय बहन जी को। सोराव से? सोराव में जो हमारी नेता जी आदरणीय बहन जी जिसको भी भेज देंगे हम उसी के साथ वोटिंग करेंगे उसको विधायक। अभी तो अभी प्रत्याशी आपके जो है आनंद भारती। हाँ, तो उन्हीं को हम देंगे, पूरा अपना भरपूर ताकत लगाएंगे, पूरी जी जान से जुट कर मेहनत करेंगे और उनको जिता करके लखनऊ तक भेजने का काम करेंगे। आप युवा हैं जी, तो इस बार लखनऊ किसको भेज रहे हैं? बहन कुमारी मायावती जी को। वजह ये कि जो बहन कुमारी मायावती जी का जो शासन है 2007 से लेकर 12 तक या फिर उसके पहले माननी बहन जी ने 3 बार सरकार बनाई थी और चौथी बार मतलब 2007 में बनाई थी, जो लाइन आर्डर जो शासन प्रशासन अनुशासन है आज तक कोई भी सरकार 2012 के बाद समाजवादी पार्टी आई, उसके बाद आज हम BJP का देख रहे हैं। माननी बहन जी के तुलना में मतलब 100 में से 1% इन लोगों का अनुशासन प्रशासन सुशासन ठीक नहीं है। ऐसा था 2007 से 2012 के बीच में ऐसा था, तो क्या वजह रही कि 2012 के बाद बहन जी नहीं आ पाई? देखिए 2012 के बाद बहन जी के आने का ये कारण था क्योंकि ये जो योगी जी हिंदुत्व की राजनीति करने लगे, मोदी जी हिंदुत्व की राजनीति करने लगे, जो इस देश का जो युवा है वो भटक गया। 2012 के बाद योगी नहीं आए ना, उस टाइम अखिलेश आए। 2012 के बाद अखिलेश आए थे। देखिए हो जाती है गलतियाँ, लोग गुमराह हो गए, अखिलेश यादव ने भी बड़े बड़े वादे किए थे। आप लखनऊ किसे भेज रहे हैं इस बार? बहन मायावती जी को। अच्छा, क्या वजह है? देखिए बहन मायावती जी की नीतियाँ हैं जो सर समाज को लेकर चलती है, इनकी नीतियाँ हिंदुत्व के नाम पर समाज को धोखा देते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बहन मायावती जी सत्ता में आए और इस प्रदेश का विकास करें और बहन जी के शासनकाल लगातार उनके शासन में जितना विकास हुआ है पिछले शासनों में उतना देखने को नहीं मिला है अभी तक।
चाहे सपा की गवर्नमेंट में क्या विकास नहीं हुआ या बीजेपी की गवर्नमेंट में कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास विकास की शुरुआत तो बहन मायावती जी ने स्टार्ट कर दी थी, उन्होंने उनके द्वारा जो कार्य किए गए तो उन्हीं को पूरा किए थे, लेकिन अलग से इनकी कोई नीति या नहीं बनी जो कि समाज को और इस देश को फायदा हो, चाहे वो हाईवे को लेकर देखें, चाहे बिजली को काम किया और एयरपोर्ट और बिजली का काम, एयरपोर्ट है, स्कूल, ये सब बनाने काम बहन जी ने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो सरकारें थी वो बस उन्हीं के कार्यों को थोड़ा इधर उधर करते रहे हैं। बस आप लखनऊ किसे भेज रहे हैं? हम बहन जी को भेज रहे हैं, क्योंकि सांड गाय से एकदम त्रस्त हैं, हम ही नहीं पूरा जनता त्रस्त है, यूपी की जनता एकदम ध्वस्त हो चुकी है इस समय, और न्याय राजकाज केवल बहन जी ही चलाना जानती है, न सपा जानती है, न बीजेपी जानती है, कोई नहीं जानता है। आप बताएं सुराओं से किसे भेज रहे हैं लखनऊ? हमने भेजा है अपने हाथी को। अच्छा, हाँ, आनंद पास जो खड़े हैं, हम इन्हीं को जिताना चाहते हैं, इन्हीं के जीतने से हमको फायदा मिलेगा फिर आगे भी, इनके न जीतने के पहले मायावती भी थी, उनके राज में हमको बहुत आराम मिला था, जब से इस सन 17 के बाद भुखमरी आ गई, खाने को भी ठिकाना नहीं है हमारे पास। आप युवा हैं जी, आप बताएं कि लखनऊ किसे भेज रहे हैं? भान कुमारी मायावती जी को। वजह उनके कार्यकाल में कोई भी पार्टी का नेता हो ये कहे कि उनके कार्यकाल में क्राइम कम था। जब ये वजह थी तो 2012 में क्यों रिपीट नहीं की? 2012 में ऐसा है, पब्लिक यहाँ की बरगला जाती है, हमारे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज जो हैं वो यहाँ की राजनीति ऐसी है कि 5 साल बाद पलट देते हैं, सच्चाई यही है। लेकिन 2017 में भी, 2017 में कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को सभी दिन की, लेकिन सब लोगों को सभी दिन के लिए नहीं, 2017 में लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया गया। सुराओं से किसे भेज रहे हैं? आनंद भारतीय जी को अपने। हम लोग आज भाई साहब इस कलंदरपुर में हमारी मासिक बैठक है और होती है हर महीने, हर दो तारीख को पूरे प्रदेश में हर विधानसभाओं में होती है, तो हम लोग यहाँ पे बैठक किए और जो हमारे सेक्टर अध्यक्ष हैं, दूर दूर से इस विधानसभा के सचिव हैं, विधानसभा के पदाधिकारी हैं, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो हम लोग यहाँ बैठक किए और मीटिंग किए यहाँ पे कुल मिलाकर के। आपको यहाँ से किस हिसाब से जन सैलाब का या जन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? पहले तो हमारी जो यहाँ की विधानसभा कमेटी है, बहुत से चुनाव लड़ाए हैं और लड़े भी हैं, बहुत मजबूत है, इस पर हम इन लोगों के ऊपर गर्व करते हैं, और हम युवा हैं, युवा हमारे साथ है, पूरी तरह से हमारे साथ है युवा, तो हमें भी अंदर से लगता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम जो है चुनाव को अच्छे वोटों से जीतेंगे। जिस हिसाब से यूपी में इस टाइम कानून व्यवस्था चल रही है उस पर आपके क्या कहना है? कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है भाई साहब, कानून व्यवस्था है कहाँ यहाँ पे, जनता त्राहिमान मचाई हुई है, चारों तरफ त्राहिमान है, देखिए बलात्कार और क्या बोलते हैं, काम कुछ लोगों को मिल नहीं रहा है, और जो नौकरियां भी है उनसे छीनी जा रही है, और कह रहे हैं कि हम फरवरी तक होली तक आपको मुफ्त खाना देंगे, अरे होली तक खाना देंगे तो आप उनका जीवन बदल देंगे क्या भाई साहब? त्राहिमाम मचाई है जनता, त्राहिमाम है, त्राहिमाम, वो चाहती है कि कोई नया परिवर्तन हो, और नया परिवर्तन में आप जानते हैं कि और जो भी सरकार रही है उसका कोई मतलब नहीं निकला है, जब बहन जी की सरकार इस प्रदेश में आई है तब तब इस प्रदेश का उद्धार हुआ है, लोगों को नौकरी मिली है, यहाँ तक कि जो गाँव में नौकरियां नहीं मिलती थी, 8 तक लोग पढ़े हुए थे उनको भी माननीय बहन जी ने सफाई कर्मी में नौकरी भरने का काम किया, तो सब लोगों का जीवन यापन किया उन्होंने, बनाया बढ़िया। 2017 में बीएसपी यहां सेकंड पोल की थी जी, 2022 में जी। आपको लगता है कि इस पर हम क्रॉस कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल निश्चित, 100% हमारे कार्यकर्ता भी जोश और होश के साथ लगे हुए हैं, और सब चाहते हैं कि ये 2022 में आनंद पासी जी को यहाँ से भारी मतों से इस बार क्या आपकी रणनीतियाँ हैं सुराओं के लिए? हमारी रणनीति साफ है, हमारा बहुत मजबूत संगठन है, और इस संगठन के बलबूते
हमने यहाँ कई बार विधायक बनाया है, जीता है, सरकार भी बनाई है, और आज भी जो आज प्रदेश सरकार की सारी कानून व्यवस्थाएं पूरी तंत्र को ध्वस्त कर दिया, केवल यहाँ हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, और समय समय पर राशन भूख मिटाया जा रहा है, भूख पर निर्भर कर रहे हैं। लेकिन हमारी मान्या बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में पद नहीं था, नया पद सृजित करके 1.5 लाख सफाई कर्मी में नौकरी देने का काम किया, 11 लाख बैकलॉग भरने का काम किया, और 4-4 मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया, 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनवाने का काम किया, 200 डिग्री कॉलेज बनवाने का काम किया, 5,573 प्राइमरी स्कूल बनवाने का काम किया, 5,063 जूनियर हाई स्कूल बनवाने का काम किया। हमारी बहन जी ने शिक्षा पर काम किया, और ये मंदिर पर काम कर रहे हैं, ये मंदिर पे काम कर रहे हैं, और हमारी बहन जी ने शिक्षा पर काम किया, रोजगार पर काम किया, और एक एक जनता, एक एक लोगों को, उनको इतना पीड़ा थी, चाहे वो लड़की थी, अगर हमारी बेटियां हाई स्कूल पास हो जाती थी तो उनको एक साइकिल, इंटर पास होती थी 25,000। हमारी बहन जी ने पूरा काम करने दिया, यहाँ तक कि पहली और दूसरी बेटी पैदा होने पर उनको लखपति बनाने का काम किया। जब इतना विकास बहन जी ने किया था तो 2012 में रिपीट क्यों नहीं किया? उसका कारण है, आज आप देख रहे हैं आपका तंत्र, आपके मीडिया तंत्र 99% लोकतंत्र को ख़त्म कर रहा है, सरकार की गुणगान गा रहा है। आज हमारी बहन जी ने लखनऊ और नोएडा को सजाने का, बनाने का काम किया, तो हमको क्या कहा गया? पत्थर की। और आज जगह जगह पत्थर लगाए जा रहे हैं, घाट बनाए जा रहे हैं, आज हमको धर्म में ढकेला जा रहा है, रोजगार छीन करके धर्म में ढकेला जा रहा है, हमको मंदिर में ढकेला जा रहा है। हमारे सामने ये काम कौन कर रहा? आप जैसे मीडिया के लोग कर रहे हैं। 2022 जनता से समझ गई, फिर से बीजेपी वही काम करेगी, हिंदू मुस्लिम करेगी, तो उससे कैसे बचाएंगे? जनता समझ चुकी है, इनका पोल खुल चुका है, अब किसी कीमत पर, अब न तो ये हिंदू मुस्लिम पे आने वाले हैं, न धर्म पर आने वाले हैं, न राम पे आने वाले हैं, न घाट पे आने वाले, इनको रोजगार चाहिए, इनको शिक्षा चाहिए, इनको अस्पताल चाहिए, ये पढ़े लिखेंगे, ये डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, IAS PCS बनेंगे। महंगाई 14 से लेकर के दूना हुआ है, कौन सा ऐसा चीज है? कोई से ऐसा चीज नहीं है कि जो कि सस्ता हुआ है, जियो के नाम पर देश बेच दिया, पूरी भारत की सारे तंत्र को बेच दिया, मुट्ठी में कर लिया, इतनी निकम्मी सरकार, मनवादी सरकार ना तो धरती पे आई है और ना अब आएगी। अब जनता सब समझ गए, जैसा कि आपने देखा कि इस टाइम पे बीजेपी की सरकार पे किस तरह से उंगलियां उठ रही हैं और बहन जी की सरकार को याद किया जा रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि सराव की जनता इस बार BSP को जिताकर लखनऊ भेजेगी।